दोस्तों पिछले काफी लंबे समय से अपने ठहाकों और हंसी से देश भर के लोगों को गुदगुदा रहा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लाखों करोड़ों लोगों की पसंदीदा सीरियल्स में से एक रहा है, जिसे दर्शक आज भी खूब ज्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों द्वारा सीरियल में दयाबेन को खूब ज्यादा मिस किया जा रहा है। जिनकी एक अनोखी हंसी और टप्पू के पापा बोलने के अंदाज ने दर्शकों को इतना ज्यादा एंटरटेन किया है और इस सीरियल को काफी ज्यादा मजेदार बनाने का काम भी किया है। लेकिन अब आपका ये इंतजार ना जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खबरों के मुताबिक हमें जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नई दयाबेन देखने को मिलने वाली हैं, जिनके लिए अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी सुर्खियों में बन गई हैं। तो क्या वाकई में बनने जा रही है दिव्यांका त्रिपाठी सीरियल की दयाबेन, और क्या है इसकी पूरी रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई? चलिए जल्दी से जान लेते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। लेकिन इससे पहले आप एंटरटेनिंग टीवी शो और दिव्यांका त्रिपाठी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस बात से तो हर एक शख्स अच्छे तरीके से वाकिफ है कि सब चैनल पर प्रसारित हो रहा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में फिलहाल जेठालाल की पत्नी दया जेठालाल गड़ा नहीं दिखाई दे रही हैं। दयाबेन के किरदार में नजर आई दिशा वकानी ने साल 2015 तक सीरियल में अपने ठहाकों से दर्शकों का खूब दिल जीता। लेकिन साल 2015 में बिजनेसमैन मयूर पांड्या के साथ घर बसाने के बाद से ही दयाबेन के किरदार में नजर आई अभिनेत्री दिशा वकानी सीरियल में दिखाई नहीं दे रही है, देश भर के लोग बेहद ज्यादा मिस कर रहे हैं। और तभी से लेकर आज तक दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार सीरियल में दयाबेन का किरदार निभाने वाली कोई दूसरी अदाकारा कौन होगी। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि आपकी ये एक्साइटमेंट अब जल्द ही पूरी यानी कि खत्म होने वाली है। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीरियल में दयाबेन के किरदार के लिए अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी सुर्खियों में बनी हुई है। खबरें हैं कि शोमेकर्स ने दिव्यांका त्रिपाठी को जेठालाल की पत्नी दया जेठालाल गड़ा का किरदार ऑफर किया है, जिसे दिव्यांका त्रिपाठी एक्सेप्ट करते हुए जल्द ही सीरियल में दिखाई भी देने वाली हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों ने दिव्यांका त्रिपाठी को तरह तरह के कमेंट्स भी देने शुरू कर दिए हैं। जहाँ दर्शकों के बीच में दिव्यांका त्रिपाठी को दयाबेन के किरदार में देखने की जबरदस्त एक्साइटमेंट भी देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों जहाँ दिव्यांका त्रिपाठी पिछले काफी समय से दयाबेन के किरदार के लिए सुर्खियों में बनी हुई है, तो वहीं अब इस खबर को लेकर दिव्यांका त्रिपाठी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अपना बयान देते हुए उन्होंने बताया कि दयाबेन के किरदार के लिए उनकी आसित मोदी से कोई बात नहीं हुई है, उन्हें दयाबेन के कैरेक्टर ऑफर नहीं किया गया है और ये महज एक अफवाह है। इसी के साथ साथ अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ये कहती हैं कि फिलहाल वो एक फैमिली रिलेटेड शो की तलाश में है। अपने इसी स्टेटमेंट के साथ दिव्यांका त्रिपाठी ने दयाबेन के कैरेक्टर के लिए जुड़ रहे अपने नाम को सिर्फ एक रूमर बताया है। वेल, दिव्यांका त्रिपाठी दयाबेन के किरदार में नजर आए या ना आए, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के साथ साथ कमिंग सून सीरियल खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए भी दिव्यांका त्रिपाठी दर्शकों द्वारा खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। वेल, तो दोस्तों अगर दिव्यांका त्रिपाठी को दयाबेन का कैरेक्टर ऑफर किया जाता है तो क्या वाकई में आप इन्हें जेठालाल की पत्नी के किरदार में देखना पसंद करेंगे या फिर नहीं? क्या कुछ सोचते हैं आप, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।